बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आखिरी मौका दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए और वक्त मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को आगे की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई के मूल रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है, जिसके आधार पर पूर्व सांसद को छोड़ा गया है। जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पूर्व सांसद ने सीनियर एडवोकेट एपी सिंह को हायर किया था। इधर जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने कहा है कि मैं सोचती हूं कि बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट की होगी जवाब देने के लिए। मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। ये सिर्फ जी कृष्णैया के परिवार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के आईएएस अधिकारियों से जुड़ा हुआ मामला है। इससे कृष्णैया के परिवार को कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। हमने बहुत वर्षों पहले जो खोना था वो खो दिया। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर 8 मई को भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी ने पहली सुनवाई की थी। उस दिन कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन दोनों को नोटिस जारी किया था, साथ ही 2 हफ्ते में इस मामले की सुनवाई करने की बात कही थी। गौरतलब हो कि आनंद मोहन को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में। इसके तहत आनंद मोहन ने 14 साल की सजा पूरी की थी, लेकिन मैनुअल के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में दोषी को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना पड़ता है। नीतीश सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया। इसका संकेत जनवरी में ही नीतीश कुमार ने एक पार्टी इवेंट में मंच से दिया था कि वो आनंद मोहन को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने इस मैनुअल में बदलाव किया और उसके बाद आनंद मोहन की रिहाई हो गई। हालांकि उनकी रिहाई को लेकर बिहार में सियासत लगातार गर्म देखने को मिली। एक तरफ महागठबंधन और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आए, तो वहीं बीजेपी ने जेल मैनुअल में बदलाव को लेकर विरोध किया और कहा कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाकर कई अन्य अपराधियों को इस सरकार ने छोड़ दिया। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट में भी कई जनहित याचिकाएं दायर की गई जो इस रिहाई के विरोध में हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई में बिहार सरकार ने और वक्त मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त भी दिया है। अब 8 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कह दिया है कि इसके बाद कोई भी अधिक समय बिहार सरकार को नहीं दिया जाएगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।